नमस्कार, मैं सीमा मिलकानिया। मेरी किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेसन की बर्फ़ी। तो बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, आइए देख लेते हैं। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए, ये मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है, 150 ग्राम चीनी है, चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 चम्मच इलायची का पाउडर है, और ये थोड़ा सा फूड कलर है, इसमें रेड और येलो कलर है, और ये थोड़े से पिस्ते हैं जो गार्निश के लिए चाहिए, और ये 100 ग्राम घी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं पैन में घी डाल रही हूँ और थोड़ा सा घी जो है वो बचा के रख रही हूँ, और थोड़ा सा गर्म होने देंगे हम इस घी को, ज़्यादा गर्म नहीं होने देंगे। अब इसमें मैं बेसन डाल रही हूँ और इसको धीरे धीरे चलाते हुए हम मिक्स करेंगे। गैस जो है वो धीमी आंच ही हमने रखनी है, तेज आंच नहीं करनी है। इस घी को हम अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे, और जो घी बचा था अब मैं वो घी भी इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा घी भी नहीं डालेंगे, नहीं तो बर्फ़ी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। अब इसको धीरे धीरे चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और अभी इसने घी सारा सोख लिया है, तो जब तक ये घी रिलीज़ नहीं करता हमने इसको पकाते रहना है। ऐसे ही इसको धीरे धीरे चलाते रहें, और आंच जो है वो धीमी ही रखें, तेज आंच ना करें, ताकि हमारा बेसन जो है वो जले ना। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा घी इसने छोड़ना शुरू कर दिया है, ऐसे ही जब तक ये सारा घी नहीं छोड़ देता और इसमें इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, तब तक हमने इसको ऐसे पकाते रहना है। अच्छी तरह से इसको घी में भूनना है, ऐसे ही धीरे धीरे आप इसको चलाते रहें। और अब देखिए, इसने सारा घी जो है वो छोड़ दिया है, और थोड़ा सा इसको अभी हम और पका लेंगे। अब इसमें से खुशबू भी अच्छी आने लग गई है, अब इसका कलर भी हल्का सा जो है वो चेंज हो गया है। तो अब मैं जो है गैस बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देती हूँ, पर बीच में इसको चलाती रहूँगी ताकि पैन हमारा गर्म है, बेसन जल ना जाए। और अब हम शुगर सिरप जो है वो तैयार कर लेते हैं, चाशनी बना लेते हैं। तो उसमें मैंने चीनी डाल दी है, जितनी चीनी ली है उसका आधा पानी लूँगी मैं, और इसको भी हम हिलाते हुए अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। हमने ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, बस थोड़ी चिपचिपी होनी चाहिए। अब देखिए, चीनी हमारी जो है वो अच्छी तरह से पिघल चुकी है और ये उबलना शुरू हो चुकी है चाशनी। तो ये अभी चीनी पिघल गई है, जो इलायची पाउडर रखा है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और जो फूड कलर रखे हैं हमने वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डाल लीजिए, नहीं तो वैसे भी बर्फ़ी अच्छी बन जाती है। अब इनको अच्छी तरह से मिलाते हुए थोड़ी देर तक और पका लेंगे। अब मैं चेक कर रही हूँ तो ये चाशनी जो है हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, चिपचिपी हो गई है चाशनी हमारी। तो इसको भी मैं बंद कर रही हूँ और 1 मिनट के लिए ठंडा होने दूंगी, फिर बेसन में ऐड करूँगी इसको। अब बेसन भी ठंडा हो गया है और चाशनी भी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, तो इसको धीरे धीरे मिलाते हुए मैं इसमें बेसन में ऐड कर रही हूँ, और गैस दोबारा से ऑन कर रही हूँ, पर आँच जो है अभी भी हम हल्की ही रखेंगे, धीमी रखेंगे, ताकि एकदम से ये जले ना। अब धीरे धीरे इसको मिलाते हुए जो चाशनी है हमने सारी चाशनी इसमें ऐड कर देनी है, और थोड़ी देर तक इसको और पकाना है, थोड़ा गाढ़ा करना है इसको हमने। अभी चाशनी मैंने सारी इसमें डाल दी है और इसको अभी थोड़ी देर और पका लेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा इसको कर लेंगे धीरे धीरे चलाते हुए। आँच अभी भी हमने धीमी ही रखनी है, तेज आँच नहीं करनी है। ऐसे बीच बीच में आप मिलाते रहें, बिल्कुल इसको छोड़े ना, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा और बेसन ख़राब हो जाएगा। अब ये बिल्कुल जमने के लिए तैयार हो चुका है, तो मैं अब गैस बंद कर रही हूँ, और एक मैंने थाली ली है, उसको मैंने घी लगा दिया है, उसमें डाल दिया है मैंने इसको, और इसको ऐसे अच्छी तरह से टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो एयर बबल हैं वो ना रहें, और इसको ज़रा सा ठंडा होने देंगे थोड़ा सा, और जो हमने पिस्ता रखे हैं उनको ऊपर से डाल देंगे गार्निश के लिए। आप इस जगह पे बादाम या पिस्ता, वो काजू भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। और अब मैं 2 घंटे के लिए इसको जमने के लिए साइड पे ठंडा होने के लिए रख दूंगी, आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। और इसको भी चम्मच से ऐसे अच्छी तरह से टैप कर देंगे ताकि ये प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए, और कटिंग करते टाइम जो है वो निकले ना, अच्छे से सेट हो जाए हमारी बर्फ़ी। अब हम 2 घंटे के लिए इसको ठंडा होने के लिए, जमने के लिए रख देंगे।
अब 2 घंटे हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो ये अच्छी तरह से जम गई है और इसके अब हम पीस काट लेते हैं। अच्छे से जम गई है हमारी बर्फी, तो इसके आप मनपसंद जैसे भी आपको पसंद हो आप पीस कटिंग कर लें। अब ये देखिए हमारी बर्फी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से जम चुकी है और बहुत ही अच्छी बर्फी बनी है। तो फ्रेंड्स, बेसन की बर्फी हमारी बिल्कुल तैयार है और बहुत ही अच्छे से बर्फी बनी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ जल्द ही। थैंक यू।